हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं अनबॉक्सिंग जैगवार के क्लासिक ब्लैक परफ्यूम की, जो कि ईडीटी कंसंट्रेशन में अवेलेबल है 100ml में। देख लेते हैं बॉक्स की प्रेजेंटेशन। बॉक्स सिंपल बॉक्स है, हार्ड सॉलिड नहीं है ये बॉक्स। नीचे देख लेते हैं एक बार। नीचे आप देख सकते हैं बार कोड यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पर QR कोड भी दिया हुआ है और यहाँ पर आप बैग डिटेल्स भी देख सकते हैं। और दोस्तों, जैगवार की जो ये फ्रेग्रेंस है वो ललिक कंपनी ही बनाती है। अब एक बार पीछे देख लेते हैं, पीछे भी थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। मेड इन फ्रांस जैगवार का लोगो आप देख सकते हैं और ऊपर देख लेते हैं, ऊपर कोई भी लोगो नहीं है। अब जल्दी से अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं इसकी जूस क्वालिटी कैसी है और स्प्रेयर क्वालिटी कैसी है। और ये बॉटल मैं बाहर निकाल रहा हूं, ये बहुत ही सुंदर बॉटल मुझे लग रही है। बहुत ही एलिगेंट डिजाइन है इसका, देखने में बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और नीचे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। नीचे आप ये स्टिकर देख सकते हैं जैगवार का, इसमें बैच नंबर भी दिया हुआ है। और फ्रंट से देख लेते हैं एक बार बॉटल को। दोस्तों, ये ग्लास पोर्शन है जो आप देख सकते हैं सेंटर में, और इस पर ब्लैक पेंट किया गया है। पीछे से भी आप देख सकते हैं ग्लास बॉटल है ये, और आगे आप देख सकते हैं जैगवार का लोगो क्लासिक ब्लैक लिखा हुआ। क्योंकि ये प्लास्टिक पोर्शन है तो ये कभी कभी आपको डैमेज मिल सकता है, बट ये ग्लास पोर्शन आपका जूस इसमें सिक्योर है, तो इसमें कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको ये टूटा हुआ मिले तो आप इससे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इसकी एक बार कैप भी देख लेते हैं, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, इसकी कैप प्लास्टिक की और हल्की कैप है, ये नॉर्मल क्वालिटी है तो कोई इशू नहीं। हम देख लेते हैं इसकी एक बार स्प्रेयर क्वालिटी भी। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्प्रेयर पर, आप देख सकते हैं कोई भी लोगो नहीं दिया गया है, प्लेन एटोमाइजर है इसका। अब इसकी स्प्रेयर क्वालिटी देख लेते हैं स्प्रे करके। फ्रेंड्स, इसकी स्प्रेयर क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, ब्रॉड मिस्ट मिल रही है जो कि सेटिस्फैक्ट्री है। फ्रेंड्स, ये परफ्यूम मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है, फ्रेश के साथ ये परफ्यूम स्वीट भी है, जिसकी वजह से ये मुझे काफी हाई क्लास फील भी दे रहा है। ये जैगवार का सबसे ज्यादा बिकने वाला परफ्यूम है और इवन इस प्राइस रेंज में, इस डिजाइनर रेंज में ये बहुत ज्यादा बिकता है, क्योंकि ये बहुत ही हाई क्लास फ्रेश और स्वीट फ्रेग्रेंस थोड़ा फील होता है। और इसमें टी की नोट बहुत प्रोमिनेंट है और ग्रीन एप्पल भी आप इसमें बिल्कुल फील कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें जो टी की प्रोमिनेंट नोट है वो मुझे कुछ कुछ अजारो क्रोम लेजेंड की भी याद दिलाती है। ये परफ्यूम में भी टी की नोट में फील कर पाता हूँ, लेकिन ये एग्जैक्ट अजारो क्रोम लेजेंड जैसा बिल्कुल नहीं है। फ्रेंड्स, अगर सीजन की बात करें तो ये परफ्यूम समर एंड स्प्रिंग सीजन के लिए अप्रोप्रिएट है, लेकिन थोड़ा सा स्वीट नेचर होने की वजह से आप इसे स्प्रिंग वेदर में कंसिडर कर सकते हैं, जो की अप्रोप्रिएट वेदर रहेगा। ओकेजन की बात करें तो आप इसे कहीं भी वेयर कर सकते हैं, ये थोड़ा सा वर्सेटाइल नेचर है इस फ्रेग्रेंस का। आप इसे पार्टीज में, क्लब्स में, ऑफिस में भी वियर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्रेंड्स, ये परफ्यूम अच्छा खासा लॉन्ग लास्टिंग है और इसका इनिशियल जो प्रोजेक्शन है वो भी अच्छा है। 1 से 2 घंटे का आपको अच्छा इसका प्रोजेक्शन बना रहेगा आपके आसपास, और आपको अच्छे नोटिसेस और कॉम्प्लीमेंट भी जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जरूर कहूंगा कि अगर आपने इस बजट में इस फ्रेग्रेंस को ट्राई नहीं किया है अभी तक, तो ये फ्रेग्रेंस आपको बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इस बजट में ये फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है और आपको नोटिसेस कॉम्प्लीमेंट दिलाने के लिए भी अप्रोप्रिएट। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो। किसी भी फ्रेग्रेंस के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।